अस्सलामुअलैकुम, हेडलाइंस के साथ मैं हूं आरिज इकबाल। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ इमरान खान समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास मौजूदा केस में कुछ दरखास्तें आई हैं, उनको केस में शामिल कर लेंगे। अटॉर्नी जनरल की दरखास्त पर पहले समाअत करेंगे और बेंच पर एतराज के मामले पर अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच पर एतराज पर गुज़िश्ता समाअत में फैसला नहीं किया था, अब नई दरखास्तों पर अगले हफ्ते दलाइल सुन लेंगे। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस मजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबर को भिजवा दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल के पास बतौर चेयरमैन जुडिशियल काउंसिल का इजलास बुलाने का इख्तियार मौजूद है। चीफ जस्टिस इजलास बुलाने से कबल शिकायत के जायजे के लिए मामला काउंसिल के सीनियर मेंबर को भिजवाते हैं। जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा हैं। सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अहमद अली शेख, लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून 2023 को कलदम करार देने की इस्तदा कर दी। तहरीक इंसाफ ने बतौर फरीक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। जमा करवाए गए जवाब में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कानून को गैर आइनी करार दे। कानून की शिकों 2, 3, 4, 5, 7 और 8 को गैर आइनी करार दिया जाए। जवाब में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। कानून से अदलिया के अंदरूनी इंतजामी अमूर में मुदाखलत की गई है। सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कल करेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा तक की कमी रिकॉर्ड की गई है। ज़राए के मुताबिक कल 1 जून से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये फी लीटर तक की कमी का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज आलमी मंडी में ब्रेंट के सौदे 4.6% की कमी के साथ 73.54 डॉलर फी बैरल पर हुए, जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के सौदे 4.4% कमी के साथ 59.46 डॉलर फी बैरल पर हुए। माहिरीन के मुताबिक इस कमी की वजह अमरीकी कांग्रेस में कर्जों की हदबारे बिल की मंजूरी से मुतालिक खदशात हैं। और फिल्म के लिए पाकिस्तान टुडे डिजिटल न्यूज से इतना ही। खुदा हाफिज।